वेलकम टू सिविल टेक यार सुमन सिंह। देखिए आज ये टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे प्लास्टर थिकनेस एंड प्लास्टर रेशियो क्या होता है, जो प्लास्टर करते हैं उसका मोर्टार का रेशियो क्या होगा और मोर्टार का थिकनेस जो प्लास्टर होगा उसका प्लास्टर का थिकनेस क्या होगा। देखिए यहाँ इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ प्लास्टर थिकनेस देखिए 4 इंच का वॉल होगा, क्योंकि प्लास्टर लेके मेरा 5 इंच होता है, तो 4 इंच का वॉल होगा, उसमें 12 mm से 12 mm से 20 mm होगा थिकनेस प्लास्टर का, 12 mm से 20 mm थिकनेस प्लास्टर का होगा। और जो 9 इंच का वॉल होगा, जो 9 इंच का जो वॉल होगा उसका थिकनेस होगा प्लास्टर का 12 mm से 12 mm, इसमें भी होगा 12 mm से 12 mm, मतलब एक साइड ये हुआ, जैसे 12 mm ले लिए तो एक साइड का थिकनेस हुआ 12 mm और सेकेंड साइड भी 12 mm, दोनों मिला कितना 24 mm हो जाएगा, 24 mm हो जाएगा। देखिए 12 mm टू 20 mm थिकनेस ऑफ मोटार का होगा, मतलब मोटार, इसी को हम मोटार बोलते हैं। देखिए प्लास्टर का रेशियो क्या होगा या मोटार का रेशियो क्या होगा, ये आप लोग को पता होना चाहिए। जो प्लास्टर करते हैं या मोटार होता है उसका रेशियो क्या होगा मोटार का। देखिए फॉर स्टैंडर्ड मोटार का रेशियो होता है 1:4, 1 part off हो गया सीमेंट और 4 part off हो गया सैंड, ये 1 part off हो गया सीमेंट, 1 part off हो गया सीमेंट और 4 part off हो गया सैंड, मतलब 1 bag सीमेंट देंगे तो उसमें 4 bag सैंड देंगे, इसका मतलब ये होता है, समझे कि नहीं। देखिए 4 inch का वाल रहेगा, 4 inch का ब्रिक वाल रहेगा, तो उसमें 1:6 का हम यूज करते हैं, 1:6 का हम यूज करते हैं। और 9 inch का ब्रिक वाल रहेगा, उसमें हम 1:4 का रेशियो यूज करते हैं, 1:4 का रेशियो यूज करते हैं। अब 4 external प्लास्टर के लिए 1:4 का रेशियो यूज करते हैं, मतलब ये हो गया 1 part off हो गया क्या सीमेंट और 6 part off हो गया सैंड, ये फिर इसमें 1 part off हो गया 9 inch के वार के लिए, 1 part off हो गया क्या इसमें सीमेंट और 4 part off हो गया क्या सैंड। एक्सटर्नल प्लास्टर में क्या हो गया 1 part off सीमेंट 4 part off सैंड। देखिए यहाँ डिटेल में हम बताए हुए हैं, देखिए ये क्या होता है रेशियो, इसका मतलब होता है रेशियो, 1 का मतलब होता है 1 part off हो गया सीमेंट और 4 part off हो गया सैंड, और इसमें भी देखिए 1 part off सीमेंट और 4 part off सैंड, ये आप लोग को पता होना चाहिए, क्योंकि कोई भी फ्रेशर इंजीनियर जाते हैं तो आप लोग को ये पता होना चाहिए प्लास्टर का थिकनेस क्या होगा। 4 inch का वॉल है तो उसमें कितना एमएम का थिकनेस का हम प्लास्टर करेंगे, 9 inch का वॉल है तो उसमें कितना एमएम थिकनेस का प्लास्टर होगा, ये आप लोग को पता होना चाहिए। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप लोग से रिक्वेस्ट है एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि कोई भी न्यू वीडियो हम डालें तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुँच सके। थैंक यू।